मुरादाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर रैलियों में धार्मिक भाषण देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयुक्त को संबोधित प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सपा महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी जनसभाओं में लगातार धार्मिक भाषण दे रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि धार्मिक भाषणों पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। शाने अली शानू ने कहा कि लाल टोपी साल 2022 में सरकार बनाने जा रही है, जिससे अमित शाह बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, इसलिए वह लाल टोपी आजम खान और अखिलेश यादव के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेना चाहती है, जो कि गलत है। देखिए, आज महानगर समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि जो गृह मंत्री हैं वो बराबर धार्मिक भाषण जो हैं अपनी चुनावी रैलियों में दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। हमारा मानना यह है कि इन्हें इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा आजम खान जो हैं 100 हेक्टेयर ज़मीन जो है उन्होंने यूनिवर्सिटी में दबा रखी है, वो सारी ज़मीन खरीदी हुई है, जिसके प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुके हैं, जिनकी में सारी ज़मानतें आजम भाई की हो चुकी है। लाल टोपी जो है 2022 में सरकार बनाने जा रही है, अमित शाह बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, इसीलिए जो है वो लाल टोपी और आजम खां और अखिलेश यादव जी के ख़िलाफ़ अनर्गल जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो मंदिर निर्माण रुकवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद हर भारतीय नागरिक ने उस आदेश को माना है और उसमें अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर बनना है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका क्रेडिट लेना चाहती है कि हम जो है ये मंदिर बनवा रहे हैं, जबकि वो जो मंदिर है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर बनना है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हर भारतीय नागरिक को मान्य है।